तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे डेंस बिटुमिनस मैकाडम DBM के लेयर का क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है। इसको इसलिए किया जाता है ताकि हमको एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड के मटेरियल के साथ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सके। इसके लिए नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म करने लगते हैं जिससे हम बेस्ट क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन करा सके। उन्हीं टेस्ट के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले जानते हैं DBM क्या होता है। डेंस बिटुमिनस मैकाडम DBM इज अ बाइंडर कोर्स यूज फॉर रोड विथ मोर नंबर ऑफ हैवी कमर्शियल व्हीकल, यानी कि ये एक तरह का बाइंडर कोर्स होता है जिसका कंस्ट्रक्शन इसलिए किया जाता है ताकि हम हैवी कमर्शियल व्हीकल यूज कर सकें विथाउट एनी फैटीग। इन DBM मिक्स देयर इज अ वाइड स्कोप फॉर वेयरिंग द ग्रेडेशन टू ऑब्टेन अ गुड मिक्स विथाउट अफेक्टिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेवमेंट। हैवी व्हीकल लोड की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है रोड पर और रोड का ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है ये DBM का लेयर। तो मेनली इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये जो पेवमेंट रहता है हमारा, उस पेवमेंट को ड्यूरेबल बनाता है, लंबे समय तक वो पेवमेंट चल सके और उसमें हैवी व्हीकल्स चल सके विथाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड विथाउट एनी फिटिंग। नॉर्मली मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड इज अडॉप्टेड फॉर मिक्स डिजाइन। तो मार्शल स्टेबिलिटी मेथड की मदद से हमको DBM का कंस्ट्रक्शन करवाना रहता है। इसमें हमको डिजाइन प्रोसीजर बताया गया है मार्शल स्टेबिलिटी मेथड में कि किस तरीके से आपका जो DBM का लेयर होता है वो DBM का लेयर किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा और किस तरीके से डिजाइनिंग होगा, ये आपको मार्शल स्टेबिलिटी मेथड कंप्लीटली बताता है। तो स्क्रीन में आप टेबल देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो टेस्ट का है। यही सारे टेस्ट आपको परफॉर्म करने रहते हैं DBM के क्वालिटी कंट्रोल के लिए। और सेकेंड कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट बताया गया है कि कब कब आपको ये टेस्ट परफॉर्म करवाना होता है DBM के मटेरियल का, ताकि आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड के साथ हो सके और बेटर क्वालिटी का आपको पेवमेंट मिल सके। तो सबसे पहला जो टेस्ट है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट एंड लॉस एंजलिस एपरेशन वैल्यू टेस्ट। तो ये टेस्ट कब किया जाता है, तो इसको करते हैं एग्रीगेट के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। और इस टेस्ट को क्वालिटी कंट्रोल के लिए कब कब परफॉर्म करना होता है ये बताया गया है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट में। तो आपको बताया गया है वन टेस्ट पर 350 क्यूबिक मीटर ऑफ एग्रीगेट फॉर ईच सोर्स एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट। तो यहां पे आपको क्या करना रहता है, हर 350 क्यूबिक मीटर के मटेरियल का कंजप्शन पे हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना रहता है, या फिर जब भी आपके एग्रीगेट का सोर्स चेंज हो रहा हो तब हम ये टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट है कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेसेस। इसको इसलिए किया जाता है ताकि आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं ये प्रॉपर शेप का है कि नहीं। और इसमें आपको वन टेस्ट पर 350 क्यूबिक मीटर ऑफ एग्रीगेट फॉर ईच सोर्स एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट करना होता है, ताकि आपके एग्रीगेट का पार्टिकल साइज में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। हर 350 क्यूबिक मीटर के मटेरियल कंजप्शन पे हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करवाना रहता है, या फिर जब भी आपके एग्रीगेट का सोर्स चेंज हो तब हमें ये टेस्ट को परफॉर्म करना ही रहेगा। नेक्स्ट टेस्ट है आपका साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, तो साउंडनेस टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि आप पता लगा सकें आप जो एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं वो कितना ड्यूरेबल है, जिसकी वजह से आपका पेवमेंट भी आने वाले समय में ड्यूरेबल होगा जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं साउंडनेस टेस्ट, जिसमें हम केमिकल का यूज करते हैं सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का। इस टेस्ट में हम क्या पता लगाते हैं,
तो एन एग्रीगेट रेजिस्टेंस टू डिसइंटीग्रेशन बाय वेदरिंग, एग्रीगेट कितना रेजिस्टेंट है वेदरिंग इफेक्ट से, ये मेनली डिसाइड करता है कि आपका मटेरियल कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है। इसके लिए हमें वन टेस्ट फॉर ईच सोर्स एंड वेन एवर देयर इज अ चेंज इन क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट्स, जब भी हमारा सोर्स चेंज होगा तब हमें ये टेस्ट को परफॉर्म करना रहता है। तो इस तरीके की चीज आप सीखना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी लेके आया है आपके लिए हाईवे कंस्ट्रक्शन कोर्स, जिसमें आपको बताया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ लेयर इन हाईवे के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग कंपोनेंट्स के बारे में, सर्वेइंग सेटिंग आउट, लेबलिंग, कैम्बर एंड इट कैलकुलेशन, फिक्सिंग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एस्टिमेशन ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ आपको रिटेनिंग वॉल और ड्रेनेज लाइन का एस्टिमेशन और BBS भी बताया गया है, उसके साथ मिक्स डिजाइन ऑफ ग्रैनुलर सब बेस एंड WMM वेट मिक्स मैकेडम का मिक्स डिजाइन बताया गया है, टेस्ट फॉर सबग्रेड एंड अर्थवर्क, मिक्स डिजाइन ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट, क्वांटिटी सर्वे ऑफ ईच लेयर, हर लेयर का क्वांटिटी सर्वे किस तरीके से किया जाता है ये भी बताया गया है, आपको स्पेसिफिकेशन बताया गया है एज पर मॉर्थ, बिलिंग वर्क बताया गया है एज पर BOQ मोड एंड EPC मोड। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता है ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। ये कोर्स का जो प्राइस है वो 34,000 है, लेकिन फर्स्ट 100 इंजीनियर्स जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आज ही उनको ये कोर्स 8,847 रुपीस में मिलेगा, 730 डेज की वैलिडिटी के साथ और डेली लाइव डाउट सेशंस के साथ। तो आज के वीडियो में हमने बात किया, जब भी हमको कोई भी वर्क एग्जीक्यूट करते हैं तो मटेरियल की क्वालिटी और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लेना होता है। सेम इसी तरीके से और भी टेस्ट जो कि परफॉर्म किए जाते हैं DBM कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि क्वालिटी ऑफ बाइंडर का टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं, बाइंडर कंटेंट कितना है इसके लिए हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, रेट ऑफ स्प्रेड कितना है, यानी कि आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं जब भी आप उसको पेवर फिनिशर से उसको लेइंग करवा रहे होंगे, स्प्रेडिंग करवा रहे होंगे, तो उस समय वो किस रेट में स्प्रेड हो रहा है इसके लिए भी आपको टेस्ट परफॉर्म करने रहते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इन टेस्ट का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और आगे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी ऐप अवेलेबल इन Google Play Store, डाउनलोड नाउ।